अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल बी क्रिएटिव। आज मैं आपके साथ सर्दियों के ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश सा डिज़ाइन जो है शेयर करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, ये जो ट्राउज़र है ये खदर फैब्रिक का है जिसकी मैंने कटाई की हुई है और ऊपर से भी मैंने सारा स्टिच किया हुआ है। हम जो इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे वो नीचे पाइंचे पे करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने डबल फोल्ड बुकरम ली है। इसकी जो लंबाई है वो 1.5 इंच है और चौड़ाई जो है आपने अपने ट्राउज़र के मुताबिक लेनी है। ठीक है, आपने इसकी चौड़ाई जो है अपने ट्राउज़र के मुताबिक लेनी है। इसके बाद ही मैंने देखें इसको डबल करके फिर से फोल्ड किया हुआ है, यानी कि मैंने इसको 4 फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, 4 फोल्ड किया हुआ है इस बुकरम को। इसके बाद मैंने इसके नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा छोड़ के, तकरीबन थोड़ा सा बिल्कुल छोड़ के, 3-4 पॉइंट्स का छोड़ के मैंने लाइन लगाई हुई है, ताकि हमारी जो बुकरम अगर कहीं से आड़ी वगैरह है तो फिर वो ठीक हो जाए, इसलिए हमने इसके नीचे लाइन लगाई है। अब जो मैंने एक पैटर्न मैंने कट किया हुआ है राउंड में, ठीक है, इसकी जो लंबाई है, वो 1 इंच है और चौड़ाई जो है तकरीबन 1.5 इंच है। ठीक है, 1.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने गत्ते पे इसको पैटर्न को कट कर लेना है, ऐसे ड्रॉ कर लेना है हमने, किसी भी सर्कल की मदद से कर लें या आप जो मैंने आपको पैमाइश बताई है आप उस हिसाब से कर लीजिए। एक ही आप कट करके रख लीजिए तो ये आपके बहुत सारे कटवर्क्स में बहुत ज़्यादा हमारे डिज़ाइन बनते हैं, कटवर्क्स के गले बनते हैं, बाजू बनते हैं, दामन बनता है, ट्राउज़र बनता है, हम किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखें मैंने 4 फोल्ड बुकरम के ऊपर ये जो है पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमने इसकी जो कटिंग करनी है, मैं 4 फोल्ड को इकट्ठे कटिंग कर रही हूँ, इसलिए हमने इसके ऊपर पिंस लगा लेनी है ताकि हमारी बुकरम जो है स्लिप ना हो। ठीक है, पिंस लगाने के बाद हमें इसको कटिंग करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। अब हम इसके राउंड्स के साथ हम लोग ने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, सीज़र की मदद से हमने सारी कटिंग ऐसे ही कंप्लीट कर देनी है, हमारे राउंड्स जो है बहुत नीट और सफाई से ऐसे कट के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये पिंस लगाने का यही फ़ायदा हुआ है कि हमारी बुकरम जो है हिलेगी नहीं। ठीक है, हमने इसी तरह अपने ये सारे कट्स जो हैं काट लेने हैं। काटने के बाद कुछ इसकी शेप जो है ना वो इस तरीके से होगी। ये देखें हमारे कितने नीट और ज़बरदस्त से एक जैसे कटाऊँ जो हैं कट के तैयार हो गए हैं। ये हमारे कटवर्क रेडी हैं। अब जो है हम इसको फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने 2 रंग का फैब्रिक लिया है, एक सेम ट्राउज़र के साथ का और एक कंट्रास्ट में जो कि मेरा ब्लैक कलर है। ठीक है, आप अपने ड्रेस के मुताबिक ये कलर्स चूज़ कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमने इसको जो ट्राउज़र के साथ का हमने अटैच किया है, हमने उधर नीचे वाली साइड पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है, हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा फैब्रिक है मेरा कंट्रास्ट में, वो मैंने डबल लिया है। ठीक है, वो मैंने डबल लिया है और नीचे वाली साइड से भी मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है। ठीक है, नीचे वाली साइड से भी हमने थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है इसका। ठीक है, अब हम जो अपने सेम कलर का है हमने उसके नीचे स्टिच कर लेना है। इसको फोल्ड करके थोड़ा सा हमने इसके नीचे सिलाई लगा लेनी है। देखें ये मैंने कुछ इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम अपने ट्राउज़र को जो है खोलेंगे। खोलने के बाद हमने इसको आयरन करके सेंटर में इसका निशान बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए निशान बनाया हुआ है। इसी तरह हम अपने इसके ऊपर भी जो हमारा कटवर्क वाला फैब्रिक है हम इसको भी फोल्ड करके यहाँ सेंटर में हम निशान लगा लेंगे या हम छोटा सा कट लगा लेंगे। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या पेंसिल की मदद से निशान लगा लीजिए या फिर यहाँ छोटा सा कट लगा लीजिए सीज़र की मदद से। ठीक है, अब हमने यहाँ इसके ऊपर इस तरह रखते हुए इसको भी पिंस की मदद से अटैच कर लेना है कपड़े के साथ, अपने ट्राउज़र के साथ। इस तरीके से हमारे जो कटवर्क्स हैं वो हिलेंगे नहीं। अब हमने इसके साथ साथ स्टिच कर लेना है सारे कटवर्क को। ठीक है, हमने इस तरह सिलाई लगा देनी है। ये देखें मैंने इसको स्टिच कर लिया है, मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें बैक साइड से ये हमने सारे स्टिच कर लिया है। अब हमने इसकी पिंस उतार देनी है। पिंस उतारने के बाद हमने इसके साथ साथ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा हमने उसको कट कर देना है और सेंटर में भी हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। कट्स आपने बहुत ध्यान से लगाने हैं कि आपका जो फैब्रिक है ना वो ना कटे। ठीक है, अगर फैब्रिक कट गया तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा, फिर हमें दोबारा से स्टिच करना पड़ेगा। अब इसके बाद कट करने के बाद देखें मैंने अपना जो ट्राउज़र है उसको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद अब हम इसको शॉवर करेंगे। ठीक है, शॉवर करने के बाद आयरन करेंगे तो ये बहुत नीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरे कलर में फैब्रिक था हमने उसके साथ साथ भी हमने सिलाई लगा लेनी है, उसको भी कटवर्क को स्टिच कर लेना है ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि ये डबल फैब्रिक था तो इसलिए इसको भी आप पिंस लगा के सिलाई लगा लीजिए तो ये बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगा।
इसके बाद हमने इसका फैब्रिक भी एक्स्ट्रा कट कर देना है। फिर कट्स लगा के हमने इसको भी सीधा करके आयरन कर लिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी लुक होगी। अब हमने इसको अपने ट्राउज़र के नीचे ऐसे रखना है। आप कटवर्क्स के साथ कटवर्क्स मिला के भी रख सकते हैं, नोक के साथ नोक मिला के भी रख सकते हैं, या आगे पीछे करके भी। जिस तरीके से आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से इसका डिज़ाइन जो है ड्रॉ कर लीजिए, इसको बना लीजिए। इसके बाद देखिए हमने इसके ऊपर पिंस लगा लेनी है, ठीक है। पिंस लगा के इसको हमने सेट कर लेना है ताकि हमारे पैटर्न जो है हिले नहीं। इसके बाद आप अपने मशीन के पाँव का बखिया जो है थोड़ा बड़ा करके इसके ऊपर सिलाई भी लगा लें ताकि ये हिले नहीं, आगे पीछे ना हो। देखें जैसे मैंने लगा लिया, अभी हमने ये सिलाई जो है आर्जी तौर पे लगाई है, बाद में हम इसको उधेड़ देंगे। तो अब हमने सेम अपने कलर का धागा यूज़ करते हुए हमने अपने कटवर्क्स के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। अपने ट्राउज़र वाले फैब्रिक के कटवर्क्स को हमने स्टिच करना है, ठीक है। स्टिच करने के बाद हम अपनी सिलाई जो हमने कच्ची सी जो सिलाई लगाई थी हमने उसको उधेड़ देना है, ठीक है। उधेड़ने के बाद हमारा जो नीचे वाला ब्लैक फैब्रिक था, अब हमने भी उसको ऐसे फोल्ड करते हुए हमने उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको भी स्टिच कर लेना है, ठीक है। हमने ऐसे इसको स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसके नीचे जो है तरपाई कर लेनी है, ठीक है। तरपाई करेंगे हम, यहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ तरपाई करेंगे। देखिए मैंने सिलाई तरपाई कर ली है, कितना नीट बन के ये रेडी हुआ है। इसके बाद हम इस कटवर्क से नीचे वाले ब्लैक वाले कटवर्क से लेके ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे एक, ठीक है, जो कि मैं लगा रही हूँ 7 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हमने ये निशान लगाया है, ठीक है। निशान लगाने के बाद हमने आयरन करके इसका एक निशान बना लिया। अब इसके ऊपर मैं बारीक से छोटे छोटे से पिनटैक्स डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने दो डालने हैं पिनटैक्स इसी तरह, ठीक है। अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। मैंने इसके ऊपर इसी तरह दो पिनटैक्स डालनी है। अब दूसरी पिनटैक्स भी मैंने थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए दोबारा से डाल लेनी है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है। आई होप तो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके, ठीक है। अभी देखिए हमने दो पिनटैक्स डालनी है, अब हम इसको प्रेस करेंगे। आयरन की मदद से प्रेस करने के बाद हमने इसका रुख नीचे की तरफ कर देना है। अब जो हमने लास्ट पिनटैक्स डाली है उससे ऊपर हमने 2 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाया है, ठीक है। ये निशान हम पूरी लाइन पर लगा लेंगे इसी तरह, फिर उसको भी आयरन कर लेंगे। 2 सेंटीमीटर पर हमने लगाया, अगला निशान फिर हमने 2 सेंटीमीटर में लगाया, यानी कि हमने दो निशान लगाए हैं, ठीक है। दो पिनटैक्स डाली, इसके बाद दो निशान लगाए। अब जो हमने सेंटर वाला निशान लगाया था ना, सबसे पहला 2 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की लेस रख के उसको स्टिच करना है, ठीक है। इसके ऊपर फिर से मैंने दो पिनटैक्स डाली हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।